हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सिवीगंज बरेली में। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि है यौगिकों के सूत्र बनाना। कोई भी अगर हमें यौगिक या पदार्थ दे रखा है, उसका नाम दे रखा है, उनके सूत्र बनाना, रासायनिक सूत्र बनाना, यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाना। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमें यौगिक का नाम पता होना चाहिए कि हमें किस यौगिक का सूत्र बनाना है। दूसरा, हमें यह पता होना चाहिए कि उस यौगिक के अंदर कौन कौन से परमाणु, तत्व या फिर आयन उपस्थित हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं आयन। आयन, आयन क्या होता है? ये तत्वों का समूह होता है, तत्वों का समूह होता है। और कैसा समूह होता है? ऐसा समूह जिस पर किसी भी तरह का आवेश लगा हो या आवेश उत्पन्न हो, जैसे धनावेश हो सकता है उस पर या फिर ऋणावेश हो सकता है। अगर कोई तत्वों का ऐसा समूह है जिस पर धनावेश या ऋणावेश उपस्थित है, तब हम उस तत्वों के समूह को आयन कहते हैं। जैसे सिंगल, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें केवल सिंगल तत्व ही होते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का जो सूत्र होता है, प्रतीक अक्षर, वो Cl होता है। अगर इसे अणु रूप में लिखते हैं तो Cl2 लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर इस पर किसी तरह का चार्ज लगा हुआ है, आवेश लगा हुआ है, जैसे माइनस लगा हुआ है या प्लस लगा हुआ है, तब हम इसे बोलते हैं आयन। तो ये हो गया आयन, जिसका नाम है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन, जहां पर भी ये माइनस आयन होता है उनमें मोस्टली, सभी में नहीं लेकिन ज्यादातर लास्ट में, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन में लास्ट में आइड लगा देते हैं, उसको कुछ वर्ड लेकर के लास्ट में आइड लगा देते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है इसी तरह से उसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड आयन। अगर हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा हाइड्राइड आयन। इस तरह से ये हो गए एकल तत्व आयन, जिनमें केवल एक ही तत्व होता है। अगर इसी तरह से, ये तो ऋणात्मक आवेश हमने देख लिए, इसी तरह से अगर वो धनावेश हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन, तब इसका जो हम नेम लिखते हैं तो ये जिस भी तत्व का प्रतीक है उसका नाम, प्रतीक है ये हाइड्रोजन का, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन, और सीधे सीधे इस पर लिख देते हैं आयन। इस पर धनात्मक आयन या धनावेश का कोई भी शो नहीं किया जाता है। इसी तरह से सोडियम Na प्लस आयन है, तो इसे हम बोलेंगे सोडियम आयन। अगर कहीं पर लिखा है Fe++, इस पर अगर दो चार्ज लगे हुए हैं, दो आवेश लगे हुए हैं, तब भी हम इसे बोलेंगे आयरन। ये आयरन का प्रतीक अक्षर होता है, तो ये हो गया आयरन आयन। ये तो कुछ ऐसे आयन हो गए जो कि एकल तत्व इनमें उपस्थित होते हैं। अब देख लेते हैं ऐसे आयन जिनमें तत्वों का समूह होता है, जैसे
OH माइनस आयन, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह से सल्फेट आयन SO4 माइनस माइनस, इस पर दो माइनस के चार्ज होते हैं, यह कहलाता है सल्फेट आयन। इसी तरह से CN माइनस, यह कहलाता है साइनाइड आयन साइनाइड आयन। इसी तरह से PO4 माइनस माइनस माइनस, इस पर माइनस के तीन चार्ज लगे होते हैं, तीन आवेश होते हैं, इसे हम बोलते हैं फॉस्फेट आयन फॉस्फेट आयन। इसी तरह से केवल एस पर माइनस माइनस आयन, तो ये कहलाता है सल्फाइड आयन सल्फाइड आयन। ऑक्सीजन माइनस माइनस, ये कहलाएगा ऑक्साइड आयन ऑक्साइड आयन। इस हालांकि ये और भी होते हैं, अभी के लिए समझने के लिए हमने सिर्फ कुछ ही लिख लिए हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव आयन या धनावेश आयन, जैसे NH4 प्लस आयन, इसे हम बोलते हैं अमोनियम आयन। और जितने भी धनावेश सित आयन होते हैं उनमें ये कम ही होते हैं, लेकिन ये जो ऋणात्मक आवेश वाले आयन हैं ये इनकी संख्या ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादातर सिंगल यानी कि एकल तत्व आयन होते हैं। अब बात करते हैं, हमने ये तो देख लिया कि आयन क्या होते हैं, अब बात करते हैं कि यौगिकों को के जो भी रासायनिक सूत्र हैं वो हमें किस तरह से लिखना है। तो उसके लिए कुछ सामान्य सी प्रक्रिया है, क्या है, सबसे पहले जैसे उसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमें सपोज कीजिए हमें लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है। अब यहां से अब हम ये पहचानेंगे सबसे पहले कि इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या क्या चीज उपस्थित है। तो यहां से नाम से ही पता लग रहा है इसमें एक सोडियम उपस्थित है, साथ ही साथ इसमें हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित है जो कि इस तरह ये होता है OH माइनस का, और सोडियम का ये रहा। अब यौगिकों का जो रासायनिक सूत्र है वो लिखने के लिए सबसे पहले उनके अवयवी घटकों को लिखते हैं, जैसे सोडियम का Na हो गया, हाइड्रोक्साइड का OH हो गया OH। अब यहां पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगाते हैं, ना ही माइनस और ना ही प्लस। अब इसके जस्ट नीचे इनकी लिखते हैं संयोजकता, यहां पर क्या लिखा जाता है संयोजकता, और ये संयोजकता क्या होती है, इन पर उपस्थित धनात्मक आवेश या फिर ऋणात्मक आवेश, ये धनात्मक आवेश और ये ऋणात्मक आवेश, कितनी मात्रा में धनावेश लगा हुआ है और या कितनी मात्रा में ऋणावेश लगा हुआ है। जैसे सोडियम की बात करें तो यहां पर सोडियम पर केवल एक धनावेश लगा हुआ है, तो इसकी संयोजकता वही हो जाती है, तो इसका संयोजकता हो गया एक। अब बात करते हैं हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी एक माइनस का चार्ज लगा हुआ है, तो इसकी भी संयोजकता हो जाती है एक।
अब सिंपली हमें क्या करना होता है, इन्हें इनका ये त्रियक गुणा कर देते हैं इनकी संयोजकताओं से। करेंगे तब हमें इसका रासायनिक सूत्र मिल जाएगा। रासायनिक सूत्र क्या मिलेगा, Na एक है, एक को हम लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड है। और OH भी कितनी बार लिखना है, एक बार, तो OH। तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया NaOH। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का हमें रासायनिक सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से अवयवी घटक हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैग्नीशियम है Mg, साथ ही साथ इसमें क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन ये रहा Cl-, इस पर एक चार्ज होता है। अब क्या करना है, इनके जस्ट नीचे हमें इनकी संयोजकता लिखनी है। तो संयोजकता लिख लेते हैं, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है दो, कितनी होती है दो होती है, और क्लोरीन की कितनी होती है एक होती है, क्योंकि क्लोरीन पर एक चार्ज है और मैग्नीशियम पर दो धनावेश होते हैं। अब इनका रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन संयोजकताओं को त्रियक गुणा करेंगे, रासायनिक सूत्र Mg की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्लोरीन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये बन जाएगा Mg कितना 1, ऐसे 1, और क्लोरीन कितना है 2 है, क्लोरीन है 2। तो ये बन गया Mg1Cl2। 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो सिंपल इसका जो फार्मूला है वो हो गया MgCl2। एक और ऐसे ही देखते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका हमें रासायनिक सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले इसमें एल्यूमिनियम उपस्थित है तो एल्यूमिनियम लिख लिया, Al इसका प्रतीक होता है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन ये रहा, ये OH माइनस OH। अब यहां पर एल्यूमिनियम की जो संयोजकता होती है वो होती है 3। ये संयोजकताएं याद करनी पड़ेंगी, संयोजक एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, हाइड्रोक्साइड पर 1 माइनस का आयन लगा है तो इसकी संयोजकता हो गई 1। अब इसका जब हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे, रासायनिक सूत्र, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एल्यूमिनियम एक और हाइड्रोक्साइड कितना है 3। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 अभी हम छोड़ दे रहे हैं। अगर हम इस तरह से इसको लिख रहे हैं AlOH3, जो कि वैसे तो ठीक है लेकिन ये रॉन्ग मेथड होता है। क्या करना है हमें, जब इस तरह के समूह वाले आयन आते हैं तब उन्हें हम ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि यहां पर प्रतीत हो रहा है कि केवल हाइड्रोजन 3 बार है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन को भी 3 बार होना है और हाइड्रोजन को भी 3 बार होना है, तब हम इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और ये सूत्र बन जाएगा AlOH का होल थ्राइज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम सल्फेट, तब इसमें मैग्नीशियम उपस्थित है तो सबसे पहले मैग्नीशियम को नोट कर लेते हैं, Mg इसका प्रतीक होता है। सल्फेट है, सल्फेट आयन ये रहा, SO4 इसका सूत्र होता है SO4। मैग्नीशियम की संयोजकता दो होती है, दो, सल्फेट की भी संयोजकता दो होती है। तब ऐसी कंडीशन में जब इनकी संयोजकताएं एक समान आ जाती हैं, तब क्या करना होता है, जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनके अनुपात लेते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, इनका रेशियो लेना है, रेशियो अनुपात निकालना है। तो ये अनुपात कितना होगा, 1:1, दो से एक कैंसिल हो जाएंगे, 1:1 निकल के आएगा। तब ऐसी कंडीशन में हम यहां पर क्या करेंगे, ये दो और दो ना लेकर के इनके रेशियो वह लिखते हैं। तब Mg को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से और सल्फेट को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से। तब इनका जो रासायनिक सूत्र होगा वो लिखा जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा Mg 1 बार, सल्फेट भी 1 बार, तो 1 लिखा नहीं जाता है, वो मैंने छोड़ दिया। तो सूत्र हो गया इसका MgSO4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम में Al इसका सूत्र होता है, कार्बोनेट का होता है CO3। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3 और कार्बोनेट की संयोजकता होती है 2। इनकी संयोजकता भी लिख ली। इनका जब रासायनिक सूत्र लिखना होगा तो एल्यूमिनियम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो एल्यूमिनियम आ रहा है 2 बार, तो इसका रासायनिक सूत्र इसका सूत्र हो जाएगा, एल्यूमिनियम कितनी बार है, 2 बार, तो एल्यूमिनियम 2 बार लिख लिया Al2। कार्बोनेट कितनी बार है, कार्बोनेट है 3 बार। तब अगर हम यहां पर ऐसे लिखते हैं तब तो ये हो जाएगा CO33, जो कि रॉन्ग मेथड है। ये पूरा समूह है और समूह को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तब सूत्र हो जाएगा Al2CO3 का होल थ्राइस। आई होप आपको ये सारा किस तरह से यौगिकों के नाम और रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।